तेज तरार महिला आईपीएस वृंदा शुक्ला ने बहराइच का पदभार किया ग्रहण। जिले बहराइच की कमान अपने हाथों में लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुई वृंदा शुक्ला। जनपद बहराइच का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई आईपीएस वृंदा शुक्ला ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। बहराइच का पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, बाल अपराध व अन्य अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए वो हमेशा होंगी तैयार। जिले बहराइच की कमान अपने हाथों में लेने के बाद पहली बार पुलिस महकमे की ली बैठक और सभी को दिए सख्त निर्देश, दोषियों को बख्शा न जाए और निर्दोष कोई फंसने न पाए। वहीं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएस वृंदा शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। बहराइच से देखें हमारी खास रिपोर्ट हमारे विशेष संवाददाता नूर आलम वारसी के साथ। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूँ और पहले मेरा ओरिजिनल काटा नागालैंड था, जहाँ पे मैंने 5 वर्ष अपनी सेवाएं दी। वहाँ पे भी म्यांमार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पे एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैंने लगभग 9 माह एज एसपी काम किया था। उसके बाद मैंने यूपी काटा शिफ्ट किया मैरिज के बाद। यहाँ पे मैं डीसीपी महिला और बाल अपराध नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में एक लंबे समय तक रही, लगभग 2.5 साल। वहाँ पे मेरा एक बहुत रुचि भी इसमें विकसित हुई कि जो महिला और बाल अपराध है उनमें किस प्रकार से काम होना चाहिए और बहुत से नए आइडियाज भी उस समय पासा। उसके पश्चात मैंने 1 वर्ष पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के रूप में अपनी सेवाएं दी है और उत्तर प्रदेश में ही मेरी तीसरी तैनाती है पुलिस अधीक्षक। मैं अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो साझा करना चाहूँगा और फिर आप सबको भी आमंत्रित करूंगी कि जनपद की पुलिसिंग के संबंध में आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने सुझाव है, फीडबैक है वो जरूर साझा करें। भविष्य में भी पूर्व में भी मेरी जो पूर्व की नियुक्तियाँ रही हैं प्रेस कंपोज है बहुत अच्छा फीडबैक होता है जिससे एक दिशा मिलती है कि किस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो जो मेरी निजी प्राथमिकताएं हैं वो यही हैं कि मैं चाहूँगी कि मेरी तैनाती के दौरान बहराइच पुलिस से निष्पक्ष फोर्स के रूप में जानी जाए, संवेदनशील फोर्स के रूप में जानी जाए और तत्परता से अपना काम करें। पुलिस की यही मुख्य जिम्मेवारी है, यही मुख्य दायित्व है कि जब भी बहराइच जनपद के नागरिकों को पुलिस की जरूरत हो तो तत्परता से मौके पर पहुंचे और उचित विधिक कार्रवाई करें। विलंब करना कार्रवाई में ताकि अनावश्यक समझौते हो, आरोप बढ़ने, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप हो, ये सब बहुत अनप्रोफेशनल पुलिसिंग का संकेत होता है और मैं चाहूंगी कि हम इससे दूर हटें और तत्परता से निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई करें। दूसरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही अनाउंस होने वाले हैं और कुछ ही माह में आयोजित किए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि निष्पक्ष निर्वाचन करवाने में पुलिस अपना पूर्ण सहयोग दे और सकुशल संपन्न कराए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इस दौरान दुरुस्त बना रहे ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तीसरा, जैसे कि आप सभी विदित हैं, नेपाल के साथ इस जनपद का बहुत लंबा बॉर्डर है जो कि एक अनोखी संवेदनशीलता पैदा करता है, जो लगभग 180 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो उसके दृष्टिगत भी हम यही चाहेंगे कि पुलिस अपनी एक सतर्कता बनाए रखे और जैसे मादक पदार्थों की तस्करी वहाँ से होती है, बहुत संभावित है कि कभी भी आर्म्स की तस्करी भी हो सकती है, मानव तस्करी भी हो सकती है, तो इस तरह का कोई भी ट्रेंड पैदा ना हो जो अभी नहीं होता है। उसके लिए पुलिस दुरुस्त रहे, अपनी अभिसूचना तंत्र को विकसित निरंतर करती रहे ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के दृष्टिगत जो संवेदनशीलताएं हैं उनको हम सदैव नियंत्रित रख सके। और एक जो मेरी मुख्य निजी प्राथमिकता है वो ये है कि जो महिला संबंधी अपराध है उस पर बहुत तत्परता से कार्रवाई हो, यही एक सबसे बड़ा संकेत होता है समाज में जिससे इसको नियंत्रित किया जाता है कि पुलिस बख्शेगी नहीं और जैसे ही अपराध हो तो उसमें साथ ही साथ गिरफ्तारियां हो। और साथ ही आजकल क्योंकि महिला संबंधी कानून जो है उनका दुरुपयोग भी बहुत है, तो एक इस चीज के लिए भी मैं चाहूंगी कि पुलिस कटिबद्ध रहे कि हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ना फंसने दें। बहुत अक्सर ये होता है कि दुरुपयोग होता है और जो गलत बयान महिला द्वारा दिए जाते हैं उसके आधार पर निर्दोषों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, तो हम यही प्रयास करेंगे कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष हो और जो कानून का उपयोग है वो सही रूप से। ये आपने बहुत अच्छी बात फ्लैग की है और आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं जिसमें इतना फास्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, हमें भी उसके साथ अपनी गति को बढ़ाना होगा और हम इस चीज के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि साथ ही साथ बाइट दी जाए
और इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर देने से स्पीड इसमें बढ़ती है। तो मैंने आज मीडिया सेल को यही कहा है कि मान लीजिए यदि एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो एक बार बस मुझसे फोन पे अनुमति लेके चाहे सीओ साहिबान इसमें फाइल दे दे ताकि हमें जो एक लैग है टाइम का उसके साथ ना कॉम्प्रोमाइज। जो अधिकारी है उनके साथ में अभी बैठक नहीं हुई है पर ये जो आपने पॉइंट रेस किया इसको मैं जरूर डिस्कस करूंगी। और ये मुझे लगता है कि इस चीज को कभी भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम ये कहते हैं कि अरे तस्करी नहीं हो रही है वो लड़कियां भाग रही हैं, लेकिन किसी भी एक केस को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऊपर से लग सकता है कि भागने का केस है लेकिन बाद में वो बहुत जल्दी ट्रैफिकिंग में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि हर 363 के केस को बहुत गहराई से देखना चाहिए और अपनी पूर्व की नियुक्तियों में मैंने प्रयास भी यही किया है कि हम अधिक से अधिक संख्या में पहले लड़की की बरामदगी करें, बालिक भी है वो एक बार बयान दे स्पष्ट हो कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में है, कोई तस्करी का थ्रेट तो नहीं है, अन्य उनके साथ कोई अपराध होने का थ्रेट नहीं है, उसके बाद फिर वो जिसके साथ जाना चाहे उनको सपोर्ट किया जाए। तो एसएसपी के साथ भी हम इस चीज को टेकअप करेंगे कि एक विधिवत जो कार्रवाई है वो जरूर हो और यदि एसएसपी के संज्ञान में इस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं तो अनिवार्य रूप से लोकल पुलिस को उनकी रिपोर्टिंग जरूर हो ताकि फिर जो एक विधिक कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित करने के बाद ही अग्रिम जो भी उसमें निर्णय है लिया जाए। देखिए अब ये एक बहुत सामान्य एलिगेशन है तो इसपे तो रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है लेकिन यही है कि आज मैंने इवनिंग में एक बैठक रखी है सभी गेस्टेड अधिकारियों के साथ, सभी एसओस के साथ, सभी चौकी प्रभारियों के साथ। तो ये जो आपने विषय फ्लैग किया है इसमें मैं बहुत स्ट्रिक्टली कह रही थी कि मैं चाहूंगी कि हम सभी लोग सीयूजी फोन अटेंड करें जिसमें मैं भी शामिल हूँ और यदि उसके बाद भविष्य में कोई विशेष रूप से इस प्रकार की घटना आपके संज्ञान में आती है तो आप जरूर मुझे बताइए ताकि फ्लैग कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अन्य प्रदेशों का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। एक तो इसमें मैं बहुत फ्रेंकली कहूंगी कि इस तरह के सिचुएशन में महिला अधिकारी होने का बहुत एडवांटेज होता है क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि आप असंवेदनशील हो रहे हैं। इसके पूर्व में भी मैंने कई प्रकरणों में इसमें सफलतापूर्वक स्टैंड लिया है जहां हमें जानकारी है कि गलत हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि एक ही चीज जो है जो थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ता है कि 164 का बयान तो दे दिया, जो झूठी तहरीर दे दिया जाएगा वो 164 का बयान भी बहुत आसानी से झूठा दे देगा और परजरी जो कि कोर्ट में गलत बयान देना वो यहाँ बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता जैसे कि कुछ अन्य देशों में उसमें सजा है। लेकिन यदि पुलिस कुछ मेहनत परिश्रम करे विवेचनात्मक कार्रवाई में ताकि हम पर्याप्त काउंटर एविडेंस खोज सके, टेक्निकल एविडेंस खोज सके जिससे वो जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है उसका खंडन हो जाए, 99% केसेस में इस प्रकार का एविडेंस मिल जाए। एक लिस्ट हमेशा जनपद में बनी होती है लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक लिस्ट डायनामिक लिस्ट होती है और इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहना चाहिए। तो जो शासन के चिन्हित अपराधी है उनके विरुद्ध तो हमें कार्रवाई करनी ही है। उसी के साथ साथ आने वाले सप्ताह में जैसे ही मेरा परिचय हो जाएगा कि कौन से मुख्य अपराध हैं या कौन से मुख्य अपराधी हैं तो उसके बाद हम एक आंकलन एक एक्सरसाइज पुनः दोहराएंगे कि कौन से हमारे ऐसे चिन्हित प्राथमिकता वाले अपराधी हैं जिनके विरुद्ध हमें कठोरतम कार्रवाई करनी है या थोड़ी विस्तृत विरोधात्मक कार्रवाई जी। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि एक ऐसा विषय है जो निजी रूप से मेरे हृदय के नजदीक है और मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं यहाँ पे भी प्रभावी योगदान दूँ। में भी मैंने बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों की, खोई हुई महिलाओं की बरामदगी पे काम किया है। AHTU को इसमें मैंने बहुत सफलतापूर्वक अपनी पूर्व की नियुक्ति में यूज किया है। तो उसमें एक बहुत सी चीजें हैं हमने जो डेवलप की है, SOP है, ये एक्चुअली मेहनत कीजिए तो इसमें बहुत सफलता मिल सकती है। बस ये हो गया एक थोड़ा ट्रेंड पुलिसिंग का इस तरह से हो गया है कि ये थोड़ा एक अंडररेटेड एक निग्लेक्टेड विषय बन गया है। हम बस सामान्य रूप से थाना अध्यक्ष चौकी प्रभारी मान लेते हैं कि अरे किसी के साथ भाग गई हूँ तो उसमें बस इतना प्रयास नहीं होता अनलेस कि परिवार बहुत रुचि ले बार बार तैयारी करते रहे। लेकिन यदि पुलिस लीडरशिप स्टैंड लेगा तो एक SOP डेवलप है और बहुत से अन्य प्रदेश हैं जिनके बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। उस आर्टिकल में मैंने कुछ कोट भी किए हैं, कुछ इंसेंटिव्स जो पुलिस को दिए जा सकते हैं हर रिकवरी पे। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम जरूर रन करेंगे ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में खोए हुए बच्चों की महिलाओं की मेरा ये उद्देश्य है कि इस प्रकार की सभी घटनाओं का एक बार आकलन कर लिया जाए और फिर डिपेंडिंग ऑन क्या उसकी गंभीरता लगती है या कितना कॉम्प्लेक्स उसको लगता है वर्कआउट करना उस हिसाब से स्पेशलाइज टीम्स बना दी जाए। अक्सर क्या होता है कि इस तरह के केसेस होते हैं जो इनका शिनाख्त नहीं हो पाती, कुल नहीं हो पाते, कई बार वो संबंधित प्रदेश के या जैसे यहाँ पे तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो सकता है, नेपाल की लेडीज हमारे यहाँ पे आपका एक पोरस बॉर्डर है तो
उसमें थोड़ी मेहनत अधिक लगती है, स्पेशलाइज टीम लगती है जो मैन्युअल इंटरव्यू काम करे, टेक्निकल एविडेंस भी गैदर करे, तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हार्ड वर्क. तो उसमें हम फिर उसको एक बार असेस करके अकॉर्डिंगली टीम्स का गठन करते हैं. स्टेक होल्डर अप्रोच अपनानी चाहिए कि इसमें हम ये माने कि ये हम सभी का जनपद है, इसको सुरक्षित रखना और इसको इस प्रकार के संगठित अपराध का गढ़ ना बनने देना हम सबकी जिम्मेवारी है. तो इसमें हम यही चाहेंगे कि जैसे मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जिनके पास इनपुट्स पहुंचते हैं, कि आप लोग हमसे प्रोएक्टिवली इस प्रकार के इनपुट साझा करें. इसी तरह से आगे जैसे हम अन्य स्टेक होल्डर से बात करेंगे, मैं ग्राम प्रधानों के साथ भी एक इस प्रकार की बैठक करना चाह रही हूँ जहाँ हम अपने आदान प्रदान करें कि क्या हमें उनसे अपेक्षा है, क्या उन्हें हमसे अपेक्षा है, और जैसे संभ्रांत नागरिक हैं, अन्य लोग हैं जो कि एक इन्फॉर्मेशन का स्रोत बन सकते हैं, उनको हम जरूर कल्टिवेट करना चाहेंगे कि वो बिल्कुल बेहिचक पुलिस के पास आके हमें बता सके. और फिर हमें अपनी एक जो कार्यकुशलता है उसको भी विकसित करना है, चाहे वो हमारी एसओजी टीम हो या ओवरऑल हमारी एक जो टेक्निकल सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी है. संगठित अपराध को काउंटर करने के लिए पुलिस को अपना वेयरवेल बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है ताकि आप उनके टेक्निक से कीप अप कर सकें. एग्जाम्पल सबसे सिंपल है कि कोई अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लेता है उसको वापस बुलाना कितना बड़ा लीगल चैलेंज है. Our processes are so cumbersome कि किसी को जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर ले इट्स नॉट इजी टू ब्रिंग देम बैक. सो कैचिंग द बिग फिश इज नॉट ऑलवेज इजी, बट ये है कि आप प्रयास ही कर सकते हैं, कभी प्रयास सफल होता है कभी नहीं. ऐसा नहीं है IGRS में प्रार्थना पत्र डाल देने का ये मतलब नहीं है कि आपके पक्ष में कार्रवाई होगी. IGRS इज जस्ट अ मीडियम, पुलिस उसमें अपना बखूबी स्टैंड ले सकती है. और इनफैक्ट पहले भी मैंने अपने जो हमारे पुलिसकर्मी है उनकी एक ट्रेनिंग भी करवाई थी कि IGRS में रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें जब प्रार्थना पत्र झूठा हो और उसमें जो पुलिस का स्टैंड है वो सही है, आपको उसको जस्टिफाई करना है या आपको उसको स्पेशल क्लोज करना है. तो सिर्फ प्रार्थना पत्र दे देना या बहुत अग्रेसिव पैरवी करना ये मतलब नहीं है कि कोई भी गलत मलत कार्रवाई हो जाएगी. वो तो एक ओवरऑल पुलिस को एक निष्पक्षता की अप्रोच अपनानी पड़ेगी. अपराध का भविष्य ही साइबर क्राइम है और ये आगे वाले आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा. देखिए सबसे पहला तो जो हमारा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का सिस्टम है वो हर थाने पे साइबर हेल्प डेस्क है. उसमें 2 से 4 कांस्टेबल सभी थानों में ट्रेन किए गए थे जिनका उद्देश्य ये है कि जब कोई शिकायतकर्ता आता है तो एक गोल्डन आवर्स में जल्द से जल्द पहले उनका पैसा रुकवाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अक्सर इन केसेस को वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है. हमारी प्राथमिकता होती है कि हम फ्रॉड का पैसा रुकवाएं. और अब इसमें बहुत से पोर्टल्स विकसित हो गए हैं जिसमें सारे पेमेंट गेटवेज जुड़े हैं, बैंक्स जुड़े हैं, बहुत भारी संख्या में पैसा रुकवाया भी जाता है और पीड़ित व्यक्तियों के बैंक में लौटाया भी जाता है. जिस जनपद से मैं आ रही हूँ वहां हमने बड़ी संख्या में ऐसा किया है. आने वाले दिनों में मैं देखूंगी यदि हमारे थानों में जो साइबर हेल्प डेस्क संचालित है उनमें हमारे पुलिसकर्मी एडिक्वेटली ट्रेन नहीं है और ये नहीं कर पा रहे तो हम विशेषज्ञों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि एटलीस्ट ये एक बड़ी संख्या में होना शुरू हो जाए. जहां तक साइबर थानों की बात है वो पूरे प्रदेश का एक ट्रेंड है कि जल्द ही उन सभी का एक साथ इनॉग्रेशन होने वाला है और उनका काम जो है पाइपलाइन में है. CCTNS के नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी दी जा रही है ताकि डायरेक्ट FIR जो अभी विभिन्न थानों में पंजीकृत हो रही है वो वहां पे हो जाए. और उसके बाद उसमें भी निकट भविष्य में हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जनपद में जो अभी सबसे इस फील्ड में जो सबसे कार्यकुशल पुलिसकर्मी है उनको चिन्हित करके वहां पे पोस्ट करें और उनको और फर्दर ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि जो थोड़े से टीडियस क्राइम्स हैं जो अभी हम नहीं खोल पा रहे हैं भविष्य में ना उनको भी इन्वेस्टिगेट करने में सफल हो. पीड़ित को FIR पंजीकृत करने के लिए इधर उधर भाग जाए. तो ओवरऑल हम यही चाहेंगे कि इस प्रकार का एक वातावरण विकसित हो थानों में. मैडम उसके लिए यातायात व्यवस्था में अवैध स्टैंड एक बहुत बड़ा कारण है जो कि कई वर्षों से चल रहा है लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए. जबकि मुख्यमंत्री का भी सीधा निर्देश है कि इस पे कार्रवाई हो तो क्या आपके माध्यम से उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ये वाकई में शासन की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और समय समय पे इसमें विशेष अभियान चलाए जाते हैं कि सभी अवैध टैक्सी स्टैंड ऑटो रिक्शा स्टैंड को हटाया जाए. अभी क्योंकि कल ही मेरा आगमन हुआ है इसलिए अभी इसलिए संज्ञान में आया नहीं है, मैंने नोट कर लिया है. तो प्रयास पूरा करेंगे कि इस प्रकार की अनऑर्गेनाइज गतिविधियों को. NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ.
एनएन वॉइस 24x7 न्यूज़, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।